वेलकम टू मिडवॉर्न केयर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले सब बात करते हैं लाइफ स्पैन की। व्हाट इज लाइफ स्पैन? बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। बर्थ, जब से हम बर्थ लेते हैं जब तक हमारी डेथ नहीं होती है, उस बीच के पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये नहीं कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो वो कम दिन तक उसकी लाइफ स्पैन होगी, कोई लार्ज ऑर्गेनिज्म है तो उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन उसके साइज पे डिपेंड नहीं करती है। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन भी दिया गया है इसमें। एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन होती है 1 to 2 वीक। एंड नेक्स्ट है एनसीईआरटी में, जितना एनसीईआरटी में दिया है बस उतनी लाइफ स्पैन की बात करें क्योंकि उससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। वीट की लाइफ स्पैन होती है 6 मंथ, वीट प्लांट की। क्रो की लाइफ स्पैन 15 ईयर। एंड क्रोकोडाइल की लाइफ स्पैन 60 ईयर। मैन की लाइफ स्पैन अप्रॉक्स हम मान सकते हैं 100 ईयर। अब उससे ज़्यादा जीवित रहते वो अलग बात है। पैरेट की लाइफ स्पैन 140 ईयर। एंड टोर्टोइस की लाइफ स्पैन 100 to 150 ईयर होती है। एंड बनियान ट्री की लाइफ स्पैन 200 ईयर। बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक। वीट प्लांट की लाइफ स्पैन 6 मंथ। क्रो की लाइफ स्पैन 50 ईयर। क्रोकोडाइल की लाइफ स्पैन 60 ईयर। मैन की लाइफ स्पैन 100 ईयर। पैरेट की लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर। एंटोडाइस लाइफ स्पैन 100 to 150 ईयर के बीच में। बनियान ट्री की लाइफ स्पैन 200 ईयर। नेक्स्ट एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन की बात की गई है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन करता क्या है? स्पीसीज की नंबर्स को इंक्रीज करता है जनरेशन टू जनरेशन। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द पेरेंट गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। एक प्रकार का यह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स अपनी जैसे ही एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन आर टू टाइप, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इन सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। टू पेरेंट्स मीन टू अपोजिट्स गैमेट। बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन अपोजिट गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। या मेल या फीमेल, दोनों में से कोई भी कंबाइन करते हैं और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन?
asexual and sexual. First difference, a single parent is involved. In asexual reproduction, single parent were involved. And in sexual reproduction, two parents are involved. And in asexual reproduction, there is a no formation or fusion of gametes. Gametes ka fusion nahin hota hai asexual reproduction mein. But in sexual reproduction, fusion of gamete take place. Fusion of gamete. Next difference, it involves the mitotic division. And in sexual reproduction involve the meiosis division. Which division occur? Mitotic division. And in sexual reproduction, meiosis division. Next difference is, all individual produce are genetically identical. Asexual reproduction mein ek single parent ka involvement hota hai, जिसकी वजह से सिर्फ जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, आइडेंटिकल. दे वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. विच इज ऑल्सो नोन एज क्लोन. वेरिएशन क्रिएट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. दो अपोजिट गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है. नेक्स्ट, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मोड मींस टाइप्स. और कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं? Mode of asexual reproduction. Cell division is the mode of asexual reproduction in single cell organism. जो single cell organism होते हैं उनमें cell division होता है. इनकी cells divide करती हैं और further classification होता है, उससे नए organism का formation होता है. In Monera and Protista, the single cell division into a two daughter cell. और Monera और Protista में भी उनकी cells होती हैं, वो divide करती हैं और नए organism का formation होता है. Mode of asexual reproduction, single cell organism, unicellular organism में उनकी cells divide करती हैं, तब नए organism का formation होता है. And in Monera and Protista, their cells also will divide. इनमें भी cell division होता है, इनकी भी cells divide करती हैं, तब जाके नए organism का formation होता है. The process of division of one cell into a daughter cell is called the fission. What is fission? ये fission होता क्या है? ये ऐसा process है जिसमें एक single cell, वन सेल, एक सेल डिवाइड करती है, इससे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं फिजन. फिजन आर टू टाइप. फिजन टू टाइप्स के होते हैं. फिजन आर टू टाइप. फर्स्ट बाइनरी फिजन, सेकेंड इज मल्टीपल फिजन. फर्स्ट बाइनरी फिजन, सेकेंड इज मल्टीपल फिजन. व्हाट इज बाइनरी फिजन? इन दिस मेथड द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू अ टू हाफ्स एंड गिव ग्रो इनटू अ एडल्ट. बाइनरी फिजन में पेरेंट की जो सेल होती हैं वो डिवाइड करती हैं और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. पेरेंट्स
different from new organism. पेरेंट सेल विल डिवाइड एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. पेरेंट सेल डिवाइड करती हैं और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. एग्जाम्पल इज अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा एंड पैरामीशियम. सेकेंड इज मल्टीपल फिजन. द पेरेंट सेल डिवाइड इंटू अ मिनी डॉटर सेल. बाइनरी फिजन में पेरेंट की सेल डिवाइड करती हैं, सिर्फ दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है. बट इन मल्टीपल फिजन मेनी डॉटर सेल विल बी फॉर्म्ड. In binary fission, parent cell will divide and form two daughter cells. And in multiple fission, parent cell will divide and form many daughter cells. Example, सबसे best example इसका है plasmodium. In yeast, the cell division result in the large cell and small cell called the buds attached in the large cell. And it separated to a grow into the adult. East में क्या होता है? East भी multiple fission करता है. East के अंदर भी multiple fission होता है. उनकी जो parent cell होती हैं, वो divide करती हैं और बहुत सारे east का formation होता है. Formation of mini east. In fungi and algae, specialized is asexual reproduction. Unit are formed, they are formed. Fungi or algae में special asexual reproduction का formation होता है. Just like in fungi and algae, special asexual mode of reproduction. Zoospore, which is known as zoospores, and conidia, first zoospore. Zoospore का formation किस में होता है? Algae and fungi. Next conidia. Conidia का formation penicillium में होता है. And aspergillus. Conidia का formation किस में होता है? Penicillium में होता है and aspergillus में होता है. Next gymnosperms का formation sponge में होता है. Hydra reproduce asexually by budding. और Hydra में क्या होता है? Budding. This is a special mode of reproduction which is a form in algae. Algae में zoospores, penicillium and aspergillus, conidia, sponge, gymnules and budding in Hydra. In higher plants, vegetative reproduction is common. The vegetative propagules are higher plants में vegetative reproduction होता है. Vegetative propagation. In रनर, रनर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑक्सेलिस. नेक्स्ट राइजोम, जिंजर. नेक्स्ट इज आई, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्यूबर.
example potato. Next bulbil. Agave. Next is offset. Water hessian. Next leaf buds. Buds ka formation bryophyllum. Next is bulb. Bulb ka example onion and garlic. Runner. Runner ka example oxalis. Rhizome ka formation ginger mein hota hai. आई पोटैटो बल्बिल अगेव ऑफसेट वाटर हेशियन एंड लीफ बर्ड इज ब्रायोफाइलम. नेक्स्ट बल्ब का फॉर्मेशन अनियन एंड गार्लिक में होता है. नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction of an organism show remarkable fundamental similarities in spite of difference in their structure. Sexual reproduction में involvement of two parents का involvement होता है. दोनों पेरेंट्स आपस में फ्यूज करते हैं और जाके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. जाइगोट इम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. इम्ब्रियो फिटस में कन्वर्ट होता है. फिटस एडल्ट में कन्वर्ट होता है जिससे नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया. द इवेंट कैन बी ग्रुप इनटू अ थ्री डिस्टिंक्ट स्टेज. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट्स होते हैं. इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इवेंट इज प्री फर्टिलाइजेशन. सेकेंड फर्टिलाइजेशन. थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्री फर्टिलाइजेशन. सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन. थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. The two major pre-fertilization event. Pre-fertilization में main two events आते हैं, gametogenesis and gamete transfer. Gametogenesis and gamete transfer. Gametogenesis. Gametogenesis is formation of gamete is known as gametogenesis. Formation of gametes is known as gametogenesis. Gametes are always haploid. Gametes are haploid. Gametes are haploid. Gametes are called homogametes when diffusing the same gametes. Gametes are two types. Homogametes and heterogametes. Homo means same, hetero means different. Fusion of same gamete is known as homogametes. Fusion of different gamete is known as heterogametes. Then male gametes is sperm and enterozoids. And
female gametes is ovum and egg. ये तो हो गया गैमेट, किस तरह से गैमेटोजेनेसिस होता है. एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होमोथैलिक मोनोसियस एंड हेट्रोथैलिक इज डाइसियस. Homothallic is known as monoecious and heterothallic is known as diœcious. Monoecious is also known as bisexual condition. And diœcious is also known as unisexual condition. If the gametes body is haploid, gametes are formed by mitosis, and if the parent's body is diploid, gametes are formed by the meiosis. When parent's body is haploid, gametes are formed by mitosis division. Gametes are formed by mitosis division. And when parent's body is diploid, then gametes are formed by meiosis division. Then gametes are formed by meiosis division. Next is gamete transfer. How gamete will transfer from male to female? Next topic is gamete transfer. Next topic is gamete transfer. In some algae, both male and female gametes are motile. In majority of organism, the male gamete is motile and female gamete is sterile. Yes, male gamete is motile and female gamete is non-motile. Since the large number of male gametes fail to reach the female gametes, the number of male gametes produced in the several thousand times more than the gametes formed by the female gametes. जब male gamete transfer होते हैं, suppose करते हैं bryophytes, bryophytes में water medium होता है जिसके द्वारा reproduction होता है. जब female male gamete produce होते हैं, जब वो female gametes के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं, they will not reach to female gametes. वो female gametes तक पहुँच नहीं पाते हैं, इसी वजह से male gamete large number में produce होते हैं as compared to female gametes. Next is pollination. Transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. Pollination are two types: autogamy and genogamy. Autogamy,
when pollination take place in same plant is known as autogamy. Same plant and same flower. And genogamy, different plant and different flower. पॉलिनेशन होना, सेम प्लांट, प्लांट भी सेम होते हैं और फ्लावर भी सेम होते हैं, बट इन जीनोगैमी डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट, प्लांट भी अलग और फ्लावर भी उसके अलग होते हैं. ऑटोगैमी इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन एंड जीनोगैमी इज कॉमनली नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. Next topic is syngamy and fertilization. Fertilization is also known as syngamy. Fertilization is also known as syngamy. Fusion of male and female gamete is known as fertilization. Fusion of male and female gamete is known as fertilization. In certain animals, the female gamete develops into a new organism without fertilization. कुछ organism में without fertilization, बिना fertilization के नए organism का formation होता है, उसे बोलते हैं parthenogenesis. What is parthenogenesis? Formation of new gametes, a new organism, without fertilization. Formation of new organism without fertilization. बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस. एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इज रोटीफर, हनी बी, टुर्की, टुर्की इज अ बर्ड, लिजार्ड एंड एसेट्रा. फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल. फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स के होते हैं, टेक प्लेस बाय द इंटरनल मीडियम ऑल्सो एंड बाय द एक्सटर्नल मीडियम ऑल्सो. इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन व्हेन बेबी डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी. इंटरनल मीन्स इनसाइड, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड. जब बेबी का डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर होता है, उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. व्हेन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, जब बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एग्जांपल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज ह्यूमन बीइंग. एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फ्रॉग एंड फिशेस एंड रेप्टाइल्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. फर्टिलाइजेशन होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? प्री मीन्स बिफोर एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर. नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. Post fertilization event, all those event in the sexual reproduction after the formation of gamete, zygote or gametes are called post fertilization. Post fertilization में fertilization होने के बाद first zygote का formation होता है,
First, formation of zygote. Second, formation of embryo. When male and female gametes are fused, they form the zygote. Zygote after developing to embryo. Depending on whether the development of organism zygote occur inside or outside the body of female gametes organism, animal are categorized as oviparous and viviparous. Animals को दो categories में classify किया गया है, that is oviparous and viviparous. Oviparous means which produce egg. Viviparous organism is which produce baby. Some organism produce egg and some organism produce baby. In flowering plant, the zygote is formed inside the ovule where it develops into embryo. After fertilization means fertilization होने के बाद ovule develop into seed and ovary develop into fruits. Zygote develop into embryo. Outer covering is known as pericarp. Fruit's outer covering is known as pericarp. Pericarp is a hard covering which can cover the fruit layer. नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रोमोसोम के नंबर के बारे में. कितने और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने क्रोमोसोम के नंबर प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड क्रोमोसोम नंबर. फर्स्ट इन ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. हाउस फ्लाई है 12 क्रोमोसोम एंड नेक्स्ट रैट है 42 क्रोमोसोम. नेक्स्ट डॉग है 78 क्रोमोसोम. नेक्स्ट इज कैट है 38 क्रोमोसोम. नेक्स्ट इज फ्रूट फ्लाई है 8 क्रोमोसोम. नेक्स्ट फर्न है 1260 क्रोमोसोम. नेक्स्ट इज बटरफ्लाई है 380 क्रोमोसोम. नेक्स्ट एप्पल है 34 क्रोमोसोम. नेक्स्ट इज राइस है 24 क्रोमोसोम. एप्पल के पास 34 क्रोमोसोम, राइस के पास 24 क्रोमोसोम. नेक्स्ट इज मेज है 20 क्रोमोसोम. पोटैटो है 48 क्रोमोसोम. एंड लास्ट इज अनियन है 16 क्रोमोसोम. ये हैप्लॉइड कंडीशन की बात की गई है कि कितने क्रोमोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमन्स बीइंग है 46 क्रोमोसोम. हाउस फ्लाई 12 क्रोमोसोम. रैट 42 क्रोमोसोम. डॉग 78 क्रोमोसोम. कैट 38 क्रोमोसोम. फ्रूट फ्लाई 8 क्रोमोसोम. फर्न 1260 क्रोमोसोम. सबसे ज्यादा क्रोमोसोम फर्न के पास प्रेजेंट होता है. ये बिलोंग करता है टेरिडोफाइट क्लास से. नेक्स्ट बटरफ्लाई है 380 क्रोमोसोम.
एप्पल हैव 34 क्रोमोसोम, राइस हैव 24 क्रोमोसोम, मेज हैव 20 क्रोमोसोम, पोटैटो हैव 48 क्रोमोसोम एंड अनियन हैव 16 क्रोमोसोम। ये डिप्लॉयड कंडीशन की बात की गई है। डिप्लॉयड मीन टू एन कंडीशन। हैप्लॉयड कंडीशन की अगर हमें निकालनी है तो हम इसका हाफ कर सकते हैं, ह्यूमन बींग का 23। इस तरह से हम सबका हाफ करके निकाल सकते हैं हैप्लॉयड कंडीशन का क्रोमोसोम कितना होगा। आज का लेक्चर बस यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे क्लास 12 का। थैंक यू।